शिराविन्यास क्या है कि शिराविन्यास जो है वह क्या कि पत्तियों के अंदर क्या चीज जो लेमिना है, क्या है लेमिना, और लेमिना के अंदर क्या चीज वेन और वेनलेट्स, इस चीज का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वेनेशंस कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शिराविन्यास कर। शिराविन्यास मतलब कि लेमिनास के अंदर यानी पर्णफलक के अंदर किस चीज का सिरा, मध्य सिरा और वेनलेट्स का सजावट क्या कहलाता है, शिराविन्यास कहलाता है। यानी कि द अरेंजमेंट्स ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इनसाइड द लेमिना इज कॉल्ड वेनेशन। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के होते हैं वेनेशन, दो तरह के। पहला जो है वो क्या है, पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल, और दूसरा क्या है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशंस में यानी कि जो आपका समानांतर क्रम का सिरा विन्यास है उसमें क्या होता है, जो पर्णफलक हैं, जो आपके लेमिनाज हैं, लीफ ब्लेड हैं, उसके अंदर जो है वेन और वेनलेट्स आपस में किस प्रकार से सजे हुए हैं, पैरेलल मैनर्स में सजे हुए हैं। किस मैनर में, पैरेलल मैनर्स में, यानी एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, नहीं तो यहाँ पर पैरेलल मैनर्स में अगर हो तो इस प्रकार से वो क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नहीं ना करती हैं। लेकिन अगर बात करी जाए रेटिकुलेट की, तो रेटिकुलेट में क्या होता है, वे एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इंटरसेक्ट करने के बाद जो है इस तरह का क्या बनता है, रेटिकुलर संरचना बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशंस। अब देखिए कि ये पैरेलल वेनेशंस और रेटिकुलेट वेनेशंस एग्जांपल्स भी कुछ देखे थे, जैसे कि पैरेलल वेनेशंस में किसमें होगा, तो मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स में होगा। किसमें होगा, मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स, जैसे मकई में, मकई, गेहूं, चावल, गन्ना, ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या होंगे, मोनोकॉटिलेडोनस में एक बीजपत्री में क्या होगा, सिरा विन्यास जो होगा वह क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समानांतर क्रम का सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं, समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जालिकावत, जालिकावत सिरा विन्यास, ठीक है, जालिकावत। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, और इसलिए जो है क्या होता है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में, डाइकोटिलेडोनस प्लांट जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, द्विबीजपत्री कहते हैं, द्विबीजपत्रीय पौधा कहते हैं। इसमें क्या होता है, रेटिकुलर वेनेशंस पाया जाता है, जैसे इस सब में क्या होता है, रेटिकुलर वेनेशंस पाया जाता है, नहीं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वेनेशन जो है ना कैसा है, रेटिकुलर टाइप का है, रेटिकुलर टाइप का, यानी कि अरेंजमेंट्स ऑफ वेन वेनलेट्स इनसाइड द लेमिना विच फॉर्म्स ए क्या, रेटिकुलर स्ट्रक्चर, और विद क्या चीज, हिंदी में बोले तो जाली नुमा संरचना या चालनी नुमा संरचना बनाएगा। तो इस कंडीशंस में उसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशंस बोलेंगे। अब आ जाइए टाइप, किनका टाइप, तो पैरेलल वेनेशंस कितने तरह के होते हैं, और दूसरा जो है रेटिकुलेट वेनेशंस कितने तरह के होते हैं। तो पैरेलल वेनेशंस में, पैरेलल वेनेशन में कितने प्रकार, दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला है यूनिकॉस्टेट, दूसरा है मल्टीकॉस्टेट। क्या है, यूनिकॉस्टेट, दूसरा है मल्टीकॉस्टेट। रेटिकुलेट में क्या है, यूनिकॉस्टेट, दूसरा क्या है मल्टीकॉस्टेट। रखने में ये इजी है कि दोनों में जो है ना यूनि और मल्टी कॉमन है, यूनिकॉस्टेट, दूसरा है मल्टीकॉस्टेट। अब एक चीज बताइए कि यहाँ पर जो आपका अरेंजमेंट, जैसे कि एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में इस तरह से अगर ये क्या है लीफ पार्ट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं लेमिना कहते हैं, इसके अंदर क्या है सिरा तथा सिरा विन्यास, यानी कि जो मध्य सिरा है इसको क्या बोले,
मध्य सिरा, क्या बोले? मध्य सिरा। तो मध्य सिरा और इसको क्या बोले? सिरा। और इसके अंदर जो पाए जा रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोले? वेनलेट्स बोले। क्या बोले? वेनलेट्स। तो इन्हीं का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? वेनेशंस कहलाता है। ये वेनेशंस देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस्टेट। तो ये जो है ना, किसी भी पत्तियों में कितने पाए जाते हैं? तो अगर क्या होगा, एक होगा ना, एक एपेक्स या टिप बोलते हैं। जैसे कि आप, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अंडी है कद्दू में, भिंडी में, भिंडी में, ये सब में क्या होता है, बहुत सारा अपेक्स होता है ना, बहुत सारा अपेक्स होता है। जैसे कि इस तरह से जो है वो कटे छटे होते हैं, नहीं होता है जी? तो इसमें ढेर सारा अपेक्स है ना। तो यूनिकॉस्टेट के कंडीशंस में क्या होता है, यूनिकॉस्टेट के कंडीशंस में एक क्या होते हैं, मिडरिब होते हैं। क्या होते हैं? एक मिडरिब होते हैं, एक मिडरिब होगा और ये एक दूसरे को क्या करेंगी, पैरेलल होंगी इस तरह से। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इसके अंतर्गत जो है केला इस तरह से क्या होगा, एक तो मिडरिब होगा और उससे जो है क्या निकलेंगे, सिरा निकलेंगे जो सीधे कहां तक जाएगा, मार्जिन तक जाएगा। कहां तक जाएगा? मार्जिन तक। तो इस प्रकार का जो है होगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिकॉस्टेट बोलेंगे। और मल्टीकॉस्टेट में क्या होगा, बहुत सारे आपके क्या होंगे, मिड वेन होंगे। तो जिससे बनेगा क्या चीज, बहुत सारा आपका अपेक्स। ठीक है, तो यूनिकॉस्टेट। और दूसरा क्या है? मल्टीकॉस्टेट। क्या है? मल्टीकॉस्टेट। और तार, हाँ तार, इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होंगे, मिडरिब होंगे। बहुत सारा मिडरिब होता है। इस तरह का। तो एक है क्या चीज, बेस, सॉरी बेस है यहां, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल। और पेटियोल से निकलता है क्या चीज, ये जो कि क्या होते हैं, ठीक होते हैं। क्या होते हैं? ठीक। तो इस कंडीशंस में क्या होते हैं, मल्टीकॉस्टेट होंगे। क्या होंगे? मल्टीकॉस्टेट। तो यूनिकॉस्टेट मल्टीकॉस्टेट। देखिए मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी। यहां पर देखिए क्या होता है मल्टीकॉस्टेट में, इसमें देखिएगा क्या चीज, किसी किसी पौधों में, किस कंडीशंस में, पैरेलल वेनेशंस में, डाइवर्जेंट और दूसरा है कन्वर्जेंट। क्या है? कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्या है? डाइवर्जेंट कन, जैसे कि हम लोग टॉर्च का लाइट जलाते हैं ना, टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश इस तरह से आता है, नहीं आता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। और कन्वर्ज मतलब क्या होता है, मतलब सिकुड़ना, मतलब कि वो जाकर के सिकुड़ जाएगा, कहीं से जो है निकलेगा, कहां से निकलेगा, पेटियोल से आकर के जो है एक टिप पर ही मिलेगा। लेकिन इसमें देखिएगा कि एक कहां से, पेटियोल से निकलते हैं यहां पर से, गांठ से, और जो है ये छितर जाता है, इस तरह से छितरता है ना। तो इस कंडीशंस में इसको क्या बोलेंगे, मल्टीकॉस्टेट बोलेंगे। लेकिन मल्टीकॉस्टेट में क्या चीज, डाइवर्जेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट में आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट वेनेशन। देखिए नाम बदल रहा है, डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट वेनेशन किसमें होगा, तार में होगा। तार एक ही यहां पर आकर के मिल जाएगा फिर इस तरह का। इसमें जो है ना एपेक्स बहुत सारे नहीं होते हैं, लेकिन जब हम लोग इसका लीफ देखते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा क्या मिलता है, एपेक्स मिलता है। तो इस कंडीशंस में इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट बोलेंगे। और दूसरा है आपका कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में देखिए आपका व्हीट है, ये सब के सब क्या है, कन्वर्जेंट, छितरना। कन्वर्जेंट मतलब सिकुड़ना। ठीक है, तो डाइवर्जेंट के केस में क्या होगा, एक से निकलेगा, कहां से, पेटियोल से आएगा, तो क्या हो जाएगा, छितर जाएगा। और इस कंडीशंस में क्या होगा, निकलेगा ना कहां से, पेटियोल से आएगा और जो एक टिप पर आकर के रुक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी सेम होता है, क्या होगा, यूनिकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट में क्या होगा, यूनिकॉस्टेट में क्या होगा, जैसे यहाँ एक टिप होता है ना, उसी तरह से यहाँ भी एक टिप होगा।
जैसे, लेकिन जालिकावत होगा क्या चीज, सिरा विन्यास। यहाँ पैरेलल है ना सब में, यहाँ देखिए पैरेलल है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, जालिकावत होगा। जैसे आम में, कटहल में, पीपल में, ये सब के सब क्या है, यूनिकॉस्टेट है। क्या है, यूनिकॉस्टेट। अब जब मल्टीकॉस्टेट की बात आएगी, मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो मल्टी में आपका दो टाइप का, फिर यहाँ क्या क्या चीज, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। क्या चीज, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, यही चीज डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, एक से निकलेगा और क्या हो जाएगा, छितर जाएगा। और दूसरा है कौन सी छितरेगा जी, मिडरिफ जो है उसमें बहुत सारे होंगे इस तरह का। लेकिन यहां पर जो है ये मैनर रखेंगे, ये मैनर रखेंगे ही रखेंगे, ये ओरिएंटेशन जो है ना ये मेंटेनेंस होगा। लेकिन इस कंडीशंस में क्या होगा, इससे भी क्या होंगे, बहुत सारे वेन और वेनलेट्स निकलेंगे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वेन और वेनलेट्स निकलेंगे इस तरह से, इसी तरह से। हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट के कंडीशंस में कौन कौन एग्जांपल्स होगा, जैसे अंडी, अंडी, पपीता, पपीता, कद्दू, डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट सीधा याद रखना है, टॉर्च लाइट, ठीक है, तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। हाँ, तो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब सिकुड़ जाएगा, डाइवर्जेंट मतलब, कन्वर्जेंट में क्या क्या होगा, कन्वर्जेंट में क्या होगा, कन्वर्जेंट में जो है ना, लेकिन अरेंजमेंट कैसा होगा, रेटिकुलर होगा, कैसा होगा, रेटिकुलर होगा। जैसे मल्टीकॉस्टेट, उसको हम लोग तेज पत्ता बैर।